अब तक की सबसे बड़ी खबर, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी एरिया में एक वैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुनस्यारी मिलन रोड में एक भारी भरकम मशीन ले जाई जा रही थी। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दिनों चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली मिलन रोड पर काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। चंडीगढ़ में मंगलवार सुबह शहर के विभिन्न जगहों में 4 नए कोरोना केस सामने आए हैं। मौली जांगरा की एक 48 साल की महिला, सेक्टर 38 सी के एक 29 साल और 38 वेस्ट की एक 26 साल की युवती व सेक्टर 29 के 27 साल के एक युवक में कोरोना वायरस पाया गया है। भारत समेत दुनिया की आईटी प्रोफेशनल को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित करने की घोषणा की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मंगलवार को लगातार 17वें दिन तेजी आई है। मंगलवार को 20 पैसे की वृद्धि हुई है। कोरोना के बीच पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत, पीएम मोदी अमित शाह ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। मनोहर लाल सरकार द्वारा प्रदेश में हरियाणा फ्रेश के तहत बोतल बंद मिनरल वाटर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। 25 जून को हरियाणा के 40,000 कर्मचारी सांझा मोर्चा बनाकर करेंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन, जिसमें एनएचएम कर्मचारी, ठेका कर्मचारी व आशा वर्कर, एनएचएम में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, एएनएम सहित अन्य पदों पर तैनात स्टाफ और आशा वर्कर शामिल हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।